हमारा दोनों कैंडिडेट जयराम रमेश जी और मंसूर रहमान दोनों कैंडिडेट भी जीत होता है और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए सब सपोर्ट करेगा और हम भी सभी पार्टी वाले के लिए और जेडीएस लीडर्स को भी हम अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास सीनियर लीडर इब्राहिम कोडिजाल और सेंट्रल कमेटी का वाइस चेयरमैन और हमारा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहुल हमीद भी है और ब्लॉक प्रेसिडेंट सदाशिव उल्लाल। सर जेडीएस वाले आपसे अपील करेंगे सपोर्ट करो बोल के? हर पार्टी अपील करने का वो उनका क्या है चॉइस है, मगर कैसे भी हम देखेंगे तो जेडीएस पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करना क्यों, पहले जेडीएस कैंडिडेट डालने से पहले हमारा कैंडिडेट और रहमान खान जी दे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट देवागौड़ जी के पास जाकर बात किया था, बाद में हम हमारा कैंडिडेट डाला, उसे हम जेडीएस कैंडिडेट नहीं डाल दिया ना, बाद में वो थर्ड कैंडिडेट डाल दिया है उनका पार्टी कैंडिडेट। सेकेंडली लास्ट फ्यू मंथ्स बैक राज्यसभा इलेक्शन था, देवगौड़ जी कैंडिडेट था, कांग्रेस होल हार्टेडली यूनानिमसली सपोर्ट किया है, इस बार क्यों जेडीएस हमको क्यों नहीं करना, उनको धर्म है ना इस बार कांग्रेस करने के लिए, ठीक है ना। हम दो दिन पहले नॉमिनेशन डाला, नॉमिनेशन डालने के लिए एक वीक टाइम था, टू डेज पहले हम डाल दिया ना, हमारा पहले कैंडिडेट के साथ दूसरा कैंडिडेट हम डाल दिया, वो जनता दल का कैंडिडेट कब डिक्लेयर हुआ हमको हमको कोई किसी को मालूम नहीं कब डिक्लेयर हुआ कैंडिडेट, पहले डिक्लेयर किया था नहीं ना। सर जेडीएस का ये कहना है कि पहले बातचीत हो गई थी उसके बाद आप लोग ने लास्ट मिनट आके रश करके डाला? नहीं देखो वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको क्या भी बात कर सकता है, प्रैक्टिकल अब देखो हम हमारा कैंडिडेट पहले डाल दिया, मंसूर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के पास भी गए था, वो अब कैंडिडेट मत डालो मत बोल दिया ना, उनका कैंडिडेट कब अनाउंस हुआ, हम नॉमिनेशन डालने के बाद दो दिन के बाद जनता दल का कैंडिडेट अनाउंसमेंट हुआ क्यों, तीन महीने पहले कांग्रेस सपोर्ट किया था ना देवगौड़ जी को जनता दल का कैंडिडेट के, इस बार उनका धर्म है और अमर कैंडिडेट को सपोर्ट करना। आप सीम विवरण है इधर देखो दुबई कैसे कोई नहीं है उनका आराम से की जाता है। सर आपने जो दिल्ली के लिए काम आता है विदेशों में जाकर के ये कानून कहां से आएगा सर, एक कॉमन बात है चाहे वो साफ ही हो तो वो कोई भी व्हाट इज इट इंग्लिश आई ना बट इधर स्टूडेंट्स आर एनीबॉडी सो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दैट लॉ हियर This law doesn't apply. Are we lawfully where? Get it clear. Mangalore University College is under the Mangalore University syndicate. It is this Mangalore University has no problem at all. Mangalore University syndicate they put a resolution. No, here also the Shinu system should be followed.